हेलो फ्रेंड्स, सरिता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही डिलीशियस लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, यह तुरंत ही बन जाता है और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं मसूर की दाल। मसूर की दाल बनाने के लिए हमने यहाँ लगभग 200 ग्राम मसूर का दाल लिया हुआ है और एक टमाटर कटा हुआ लिया हुआ है, धनिया पत्ता कटा हुआ लिया है। उसके साथ हमने यहाँ दो प्याज को बारीक काट लिया है। यहाँ हमने नमक, हल्दी, हरी मिर्च और लहसुन का टुकड़ा लिया हुआ है जिसको हमने काट लिया है बारीक। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे कुकर। हम यह दाल को कुकर में ही बनाएंगे। दो गिलास के करीब पानी डाल दिया हुआ है और हमने यहाँ पानी गर्म होते ही हमने यहाँ मसूर की दाल को भी डाल देना है। हमने मसूर की दाल को लगभग 3-4 पानी में अच्छी तरह से धो के ही डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक, और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल इसमें डालेंगे तो हमारा जो गर्म होने के बाद हमारा जो पानी है ऊपर नहीं आएगा, ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। लगभग 1 सीटी लगने के बाद 2 सीटी आने से पहले ही हमें बंद कर देना है। अब हम जब तक हमारा कुकर का प्रेशर कम होता है सीटी आने के बाद, तब तक हम इसको तड़के के लिए हम यहाँ कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें हम लहसुन को जो हमने काट के रखा है उसको डालेंगे, हरी मिर्च को डालेंगे और इसको भूनेंगे। इसको कुछ देर भूनेंगे, जब तक यह हमारा लाल ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसको भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज जो हमने बारीक काट के रखा है, उसको डाल देंगे और इसको भी चलाते हुए भून लेंगे हम इसको अच्छी तरह से। ये देखिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। जब तक हमारा प्याज भुनाता है तब तक हम दाल को देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा दाल बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। हम इसमें प्याज को किनारे करते हुए इसमें तेल में हम चुटकी भर हींग डालेंगे और इसको भी हम चला लेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे भूनना है, हमें पकाना है टमाटर को सॉफ्ट करके। अब हम साथ ही इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, कुछ देर चलाएंगे। चलाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें हम दाल डालेंगे, दाल को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, उसके बाद लास्ट में हम सभी दाल को इसमें डाल देंगे। दाल को हम अब 1 उबाल आने तक इसको छोड़ देंगे उबलने के लिए। 1 उबाल आते ही हम इसमें इसको एक बार चला लेंगे और इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हमारा दाल पूरी तरह से बन चुका है। अब हम एक सर्विंग बाउल में इसमें सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार घर पर जरूर ट्राई करें और इस दाल को बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और यह तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।